अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट टू को, विच वाज ग्रेडिंग असाइनमेंट। और इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको ये पूरी असाइनमेंट का एक प्रोग्राम बनाकर दिखाया जाएगा कि किस तरह आप एक इजी वे में और एफिशिएंट वे में ग्रेडिंग असाइनमेंट या ग्रेडिंग प्रोग्राम बना सकते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स को भी डिस्कस किया जाएगा ताकि हर एक की गलती का बताया जा सके कि कहाँ कहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ें लिखी हुई हैं, या कहीं पर जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो छोड़ी हुई हैं, और कहाँ पर उन्होंने कमांड को गलत लिखा हुआ है, ताकि आप लोग जो है अगली दफ़ा ये गलतियाँ ना करें। तो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, असाइनमेंट वाज के कॉपी द डाटा फ्रॉम द एक्सेल शीट अकॉर्डिंग टू योर ग्रुप नंबर। तो आपको ये एक्सेल शीट दी हुई थी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, देर आर डिफरेंट ग्रुप्स, आपने अपने ग्रुप के मुताबिक वो वाला डाटा जो था वो आपने कॉपी कर लेना था। ओके, राइट अ प्रोग्राम दैट ग्रेड अप द डाटा वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द ग्रेडिंग क्राइटेरिया गिवन बिलो। हमने जो ये वैल्यूज़ थी हमारे पास एक्सेल शीट के अंदर, इनको ग्रेड करना है कि कौन से ग्रेड में लायक आ रहे हैं। अब वो ग्रेडिंग क्राइटेरिया क्या है, वो ग्रेडिंग क्राइटेरिया ये आपको नीचे दिया गया कि अगर एक नंबर, एक बंदे के मार्क्स जो हैं या वो जो डाटा वैल्यू है वो 84.5 से ग्रेटर या इक्वल होगी तो हम उसे ए प्लस ग्रेड अवार्ड करेंगे। अगर वो 79.5 और 84.5 के दरमियान होगी तो वही वाले अवार्ड ए, जबकि 79.5 बी शामिल है। सिमिलरली अगर 74.5 से 79.5 के दरमियान होगा तो बी प्लस एंड सो ऑन अप टू द एफ ग्रेड। तो ये किस्म का सवाल इस तरह बन जाता है कि हमने एक डाटा वैल्यू लेनी है विच इज़ अ स्टूडेंट मार्क्स, और उसके ऊपर ये वाला एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो उसको ग्रेड अजाइन कर दे, जो भी उसका रिक्वायर्ड ग्रेड बनता है। ओके, ये वाले सवाल तो हमने किए हैं कि किसी एक बच्चे का हमने मार्क्स लिए और उसको ग्रेड असाइन कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ है, तो दैट मीन वी हैव टू यूज़ सम लूपिंग। ओके, देन मेक द फॉलोइंग ग्राफ्स टू शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट गॉट ईच ग्रेड। ओके, जब हम तमाम वैल्यूज़ को ग्रेड कर लेंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा भाई कि ए प्लस कितने स्टूडेंट्स का आया है, ए कितने स्टूडेंट्स का आया है, बी प्लस कितने स्टूडेंट्स का आया है। तो जब वो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगे, 125 ए प्लस आए हैं, 50 जो हैं ए आए हैं, 200 जो है वो बी प्लस आया एंड सो ऑन, तो फिर हमने ये तीन ग्राफ बनाना, विच इज़ अ हॉरिजेंटल बार्स। ओके, एक नॉर्मल बार ग्राफ होता है जो कि वर्टिकल होता है, एक हॉरिजेंटल बार ग्राफ ये, तो दिस वन इज़ अ हॉरिजेंटल बार। पाई चार्ट हमने बनाना है, फाइन एंड हिस्टोग्राम। तो पहले दो तो ईजिली बन जाएंगे, हिस्टोग्राम में थोड़ा सा आपको एक ट्रिक का। ओके, हिस्टोग्राम में मे बी थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी आई हो, लेकिन वो आपने अगर उसकी प्रॉपर्टीज़ को सर्च कर लें इजीली, जैसे हेल्प में जाकर, तो आप उसको इजीली बना सकते हैं। ओके जी, नोट के नीचे लिखा हुआ है कि लेबल ईच ग्राफ सो दैट इट वुड इजीली बी अंडरस्टैंडेबल, कि आपने जो भी ग्राफ बनाने हैं उसके साथ कोई आपने लेबलिंग करनी है, एक्स लेबल, वाई लेबल, ताकि वो ग्राफ आसानी से पढ़ा जा सके। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैटलैब ओपन कर लेते हैं, दिस इज़ अ न्यू फाइल, और इसके ऊपर हम लिख लेते हैं ग्रेडिंग असाइनमेंट। और लेट्स हमने कोई वैल्यूज लेनी है, तो दीज वैल्यूज आर एक्स। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं, तो एक्सेल शीट में जाते हैं। कोई एक हम लेट्स से ग्रुप थ्री की वैल्यूज को कलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से आपने कंट्रोल ए किया एंड सी कॉपी, और देन इसके बाद इसके अंदर पेस्ट कर दें, तो इस तरह आपके पास ये सारा स्ट्रक्चर आ जाएगा। सो दिस इज इट। आप लोग जो है एक्सेल की फाइल से रीड भी कर सकते हैं, वो वाली कमांड भी लगाई जा सकती है, लेकिन इसमें फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने उस शीट को स्पेसिफिक करना है जो आपके ग्रुप के साथ असाइन की गई है, क्योंकि इसमें एक शीट नहीं, इसमें मल्टीपल शीट्स हैं, तो फिर इस कमांड में थोड़ा सा हमें डीप जाना पड़ेगा। लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि बजाय कि इसमें इतना ज़्यादा डाटा तो है नहीं, तो आप कॉपी करके उसको असाइन कर लें, नो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अगर आपने इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करना है कि भाई ये तो मैट्रिक्स के साथ ही रहे, तो आप इसे पीछे भी लेके जा सकते हैं, बल्कि मैं जो हूँ इधर ये स्क्रिप्ट फाइल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, तमाम डाटा वैल्यूज आ गए। अब एक चीज़ जो हमें पता है कि मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज जब आ जाए तो उनके ऊपर अगर हमने कोई लूपिंग लगानी है तो फिर हमें टू लूप्स लगाने पड़ते हैं, विच इज वन फॉर रो एंड सेकेंड फॉर कॉलम्स। तो इट इज़ बेस्ट कि अगर हम
एरे में लूपिंग कर लें तो उसके लिए हमें सिर्फ एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर एक जो चीज़ सिंप्लीफिकेशन के लिए की जा सकती है कि बजाय कि हम मैट्रिक्स को यूज़ करें, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एक रो के अंदर। तो सबसे पहले इसका मैट्रिक्स का नेम देख लेते हैं, हमने क्या लिखा है, विच इज़ एक्स। तो नाउ वी विल राइट वाई इज इक्वल टू रीशेप। ओके जी, हमने एक्स को रीशेप करना है एक रो, और कितने कॉलम वैल्यूज़, वैसे तो हमें पता है कि इसके अंदर 900 कॉलम वैल्यूज़ हैं, लेकिन इसके अंदर हम कमांड भी लगा सकते हैं। जैसे अगर हमने फाइंड आउट करना हो कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अरे कितना होता है, तो हम लेंथ यूज़ करते हैं कमांड, बिल्ट इन कमांड। इसी तरह जब मैट्रिक्स आ जाए तो फिर उसके अंदर हम लेंथ कमांड नहीं यूज़ कर सकते, वो फिर हमें नंबर ऑफ रोज बताता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जाता। तो इसके लिए हमें कमांड यूज़ करनी पड़ेगी जो कि मैट्रिसेस के लिए स्पेसिफिक होती है, विच इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स नम ई एल, सॉरी नम ई एल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स यहाँ पर हमारे पास एक्स है, तो नाउ दिस इज कन्वर्टेड, ये अब हमारे पास क्या हो गया, एक रो बन गया। अब जो है हमने इसके ऊपर ग्रेटिंग क्राइटेरिया लगाना है। तो ग्रेटिंग क्राइटेरिया का हमने एक दफ़ा प्रोग्राम बनाया था फॉर अ सिंगल वैल्यू, तो मैं उधर से ही कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो दिस इज इट, इसके अंदर हमने इफ एल्स स्ट्रक्चर को यूज़ किया हुआ था, और साथ साथ यहाँ पर देखें कि कमांड्स के अंदर इफ एल्स स्ट्रक्चर जो होता है वो ये कि ये वन बाय वन एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जांपल, क्या कि हमारी गिवन वैल्यू जो 84.5 से ग्रेटर है तो उसे डिस्प्ले कर देगा, यहाँ पर हम जो भी कोड लिखेंगे वो उसके मुताबिक उसके एक्शन कर देगा, और उसके बाद बाकी तमाम कमांड्स को वो यूटिलाइज नहीं करेगा। और अगर हमारी वैल्यू 84.5 से ग्रेटर नहीं है तो फिर सेकेंड चेक क्या होगा कि क्या वो 79.5 से ग्रेटर है। तो यहाँ पर एल्स स्ट्रक्चर में हमें अलहदा से ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि इट इज़ 84.5 लेस देन, और फिर हम एंड यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करें। ये ऑब्वियस है कि अगर वो पहले क्राइटेरिया में पूरा नहीं उतरा तो इसका मतलब है उसकी वैल्यू 84.5 से लेस ही होगी, हमें यहाँ पर से दोबारा रीचेक करने की ज़रूरत नहीं। ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने इसके अंदर डबल कमांड लगाई हैं जो कि अननेसेसरी या एक्स्ट्रा, और ये मैटलैब की जो कह लें एग्जीक्यूशन टाइम है उसको मजीद बहुत ज़्यादा डिले कर रही है। इसलिए इफ एल्स स्ट्रक्चर को समझना सबसे पहले ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और फिर आप उसको यूटिलाइज करें। बल्कि आपको ये एग्जाम्पल्स भी दी गई थी, बट आई डोंट नो कि आपने इसे क्यों नहीं यूटिलाइज किया। चलें जी, हम यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं और अपने प्रोग्राम में पेस्ट कर लेते हैं। सो दिस इज इट। अब इसके अंदर चेंजेस करने से पहले, क्योंकि हमने सिर्फ एक वैल्यू को नहीं चूज़ करना, हमने तो 900 वैल्यूज़ को चूज़ करना है, तो इसलिए इसके ऊपर फॉर लूप लगा लेते हैं। फॉर आई इज इक्वल टू 1 टू 900 की बजाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स एक्स, या यू कैन यूज़ द लेंथ कमांड फॉर वाई, एक ही बात है। चलिए जी, लेंथ कमांड हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, लेंथ ऑफ वाई, चूँकि वाई हमारे पास अरे। अब ये चूंकि फॉर लूप है तो इसके नीचे हमें एंड लगाना पड़ेगा, और एक चीज़ हमें पता है कि जब भी फॉर लूप लिखा जाए तो उसकी जो बॉडी होती है वो आपने एक टैब के फासले पर लिखना है। तो जब इस तरह आपका स्ट्रक्चर हो तो आप उसे सेलेक्ट करें और टैब प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब नाउ आगे क्या हमने करना है कि वी आर यूजिंग वाई, तो यहाँ पर एक्स की जगह पर हमें वाई कर देते हैं, और साथ इंडेक्सिंग जो है, क्योंकि हम लूप यूज़ कर रहे हैं तो वी कैन यूज़ वाई आई, इसे कॉपी करें और हर जगह पेस्ट कर दें। और एक दफ़ा कंडीशंस को चेक कर लें, कि वाई आई इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 84.5, तो फिर हमारा ग्रेड जो है वो ए प्लस होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर इक्वल टू भी आएगा। चलिए, यहाँ पर साथ साथ एक छोटी सी मिस्टेक है वो भी हमारी क्लियर होगी। होप सो आपने, आप लोगों ने भी जब पढ़ा होगा तो इस चीज़ को वैल्यूएट कर लिया होगा। अब हमें तो डिस्प नहीं चाहिए ए प्लस का, हमने तो उसकी काउंटिंग करनी है, तो वी कैन यूज़ काउंटर्स हेयर कि कितने लोग ए प्लस में आए। तो यहाँ पर आप बेशक इधर आके कमेंट में लिख सकते हैं कि ये जो कमांड लगाई गई है इट इज़ फॉर ए प्लस, और यहाँ पर हमने काउंट करना है कितने बच्चे या कितने जो वैल्यूज़ हैं वो ए प्लस कैटेगरी में आई। तो वी कैन यूज़ अ काउंटर, और बजाय ये कि मैं ए बी सी डी ई एफ जी एच
नाइन काउंटर्स यूज करूँ, चूंकि मेरे पास नाइन ग्रेड्स हैं, द बेस्ट वे इज कि हम यहाँ पर एक एरे डिफाइन कर लेते हैं, सी इज इक्वल टू जीरोज 1, 9, सी इज फॉर काउंटर, और यहाँ पर ए प्लस के लिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इट इज सी वन, तो हम तरतीब से चलते जाते हैं, तो सी वन इज इक्वल टू सी वन प्लस वन। तो काउंटर्स के लिए हमें पता है कि वेरिएबल में वन ऐड कर देना है, तो इस तरीका से ऐसे ही चलेगा। अब नेक्स्ट इज फॉर ए, तो मैं यहाँ पर ए के लिए लिख देता हूँ और यहाँ पर इसी काउंटर को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और उसके लिए हम अब नेक्स्ट जो हमारे पास इंडेक्स होगा दैट विल बी सी टू, तो उसको हम यूज़ कर लेते हैं। अब इसका क्या फ़ायदा क्या होगा ये भी आपको बताता हूँ। एक तो ये कि हमें इतने ज़्यादा वेरिएबल्स डिफाइन नहीं करने पड़ेंगे, और प्लस इसके ऊपर हम एरे या इंडेक्सिंग भी हम अप्लाई कर सकते हैं, एरे ऑपरेशन या इंडेक्सिंग। सो सी थ्री इसी तरह आप आके बी है, उसके लिए हम सी फोर अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह क्या होगा कि ये जो फॉर लूप है, ये पूरा हमारा जो डाटा है 900 वैल्यूज वाला, इसके हर एलिमेंट को पिक करेगा और उसको किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर जो भी उसकी रिस्पेक्टिव बनती है उसके काउंटर में उसको ऐड कर देगा। और यहाँ पर एक चीज़ जो है कि हमें यहाँ पर ओरिजिनल डाटा वैल्यूज नहीं चाहिए कि ए प्लस के अंदर कौन कौन से नंबर्स आए हैं, 84.5, 89, 90, 91, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। हमें जस्ट उनकी काउंटिंग चाहिए कि एक वैल्यू आई है, दो वैल्यू आई हैं, तीन वैल्यू आई हैं, कितनी वैल्यूज आई हैं, और उसी बेस पे हम जो है उनके ग्राफ्स बनाएंगे, और ग्राफ्स के ज़रिए हम उन चीज़ों को उसका एनालिसिस अच्छे तरीके से कर लेंगे कि ए प्लस ज़्यादा आए हैं या ए या वट एवर बाकी ग्रेड जो है। सो दिस इज सी सेवन, चलें जी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। द लास्ट वन इज फॉर डी, बल्कि एक आखिरी भी रहता है विच इज एफ, और यहां पर देखें एल्स के आगे हमने कोई कमांड नहीं लगाई, बिकॉज अगर कोई वैल्यू जो वाई आई की वैल्यूज हैं वो 49.5 से अगर ग्रेटर नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो फिर तमाम 49.5 से स्मॉलर ही होंगी, तो इसलिए यहाँ पर हमें 49 yi is less than equal to 49.5 लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये हमारा वेस्टेज ऑफ कमांड होगी। सो दिस इज एफ। तो चलें जी, ये हमारा एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया जिसके अंदर हमने नंबर ऑफ वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना था कि कितने हर कैटेगरी में हमारे पास तादाद आती है स्टूडेंट्स की, और अब आगे चलते हैं ग्राफ्स की तरफ। तो आवर फर्स्ट वाज टू ड्रॉ अ बार ग्राफ, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, वी कैन राइट हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए भी ईजी हो, और साथ साथ एक दफ़ा इसको चेक कर लें कि आइदर आपकी कमांड सही लिखी हुई हैं, बल्कि इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास जो काउंटर्स की वैल्यूज़ हैं क्या वो कितनी आ रही हैं, क्या प्रोग्राम ठीक चल रहा है कि नहीं, और उसके बाद फिर हम आगे ब्लॉक में चलते हैं, बार ग्राफ बनाएंगे, फिर हम पाई चार्ट बनाएंगे, और फिर हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो लेट्स रन। उसने सबसे पहले पूछा जी आपने से सेव करना है, यस ए टू एंड से रफ ड्राफ्ट, क्योंकि अभी तो इसमें गलतियां भी होंगी तो भी साथ साथ चेक हो जाएंगी। तो चलें जी, इसको हमने रन किया, ओके स्मूथली रन हो गया, कोई एरर नहीं आया, क्योंकि मैंने डिस्प्ले के लिए कोई चीज़ रखी नहीं थी इसलिए कोई डिस्प्ले भी नहीं आया, लेकिन वी कैन चेक द वेरिएबल्स वर्क स्पेस। तो देखें हमारे पास जो सी की वैल्यूज़ हैं वो आ गई, दैट मीन हमारा काम सही चल रहा है। ओके, अब हम आगे ग्राफ की तरफ चलते हैं। बार हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ की कमांड इट इज़ वेरी सिंपल, बार एच एंड नाउ वी हैव टू राइट ओनली सी। तो देखें यहाँ पर अगर आपने डिफरेंट वेरिएबल्स लिखे होते तो पहले आपको उसको वेक्टर बनाना पड़ना था और फिर आपने इसको बार ग्राफ के अंदर लिखना था वैल्यूज़। तो यहाँ पर हमें जो अरे यूज़ करने का फ़ायदा ये हुआ कि हमें ऑटोमेटिकली जस्ट उसके अंदर सी लिखेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएंगे। अब इसकी थोड़ी बहुत हम साथ कह लें लेबलिंग कर लेते हैं, तो एक्स लेबल्स लेबल, उसके अंदर आ जाएगा हमारे पास कि हमें एक्स लेबल पर चाहिए
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वी कैन राइट ओप्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंड ईच ग्रेड और वाई एक्सिस पे हमें चाहिए ग्रेड वैल्यूज तो वी कैन राइट ग्रेड्स. अब यहाँ पर यह कि जब आपने बार ग्राफ बनाना हो और लेफ्ट साइड पे हमें वो वैल्यूज चाहिए ए प्लस ए बी प्लस तो देयर इज अ कमांड व्हिच इज यूज्ड वाई टिक लेबल्स तो वी कैन राइट वाई टिक लेबल्स और यहाँ पर हम लेबल्स लिख देते हैं व्हिच इज ए प्लस देन ए देन बी प्लस जितने भी ग्रेड्स हैं हमारे पास बी बी नेगेटिव सी प्लस ओप्स इन्वर्टेड कॉमा जरूर लगाने हैं अरे के लिए हमारे पास जो भी करेक्टर हम लिखते हैं उसके लिए जो इन्वर्टेड कॉमा इट इज़ वेरी नेसेसरी. सो दिस इज इट. अब इंस्टेड के ये वाले लेबल तो आके भी यूज़ होने हैं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसे पहले ही एक किसी वेरिएबल में डिफाइन कर लूँ ये ज़्यादा बेटर होगा. तो वी कैन राइट जी या कैपिटल जी कर लेते हैं ताकि ज़रा डिफरेंट रहेगा. अब ये मैंने एक अरे डिफाइन कर ली है अब इसी को वाई टी के लेबल्स में बजाय कि मैं लिखूँ मैं जस्ट जी लिख दूँगा. इसमें पाई चार्ट में भी हम यूज़ कर सकते हैं हिस्टोग्राम में भी यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ इट. और टाइटल हमें देना पड़ेगा टाइटल भी अच्छी बात होती है तो वी कैन राइट द टाइटल ग्रेड वर्सेस स्टूडेंट्स या टाइटल क्या हो सकता है टाइटल वी कैन राइट टाइटल विल बी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अचीव्ड ईच ग्रेड और यहाँ पर जस्ट लेबल होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि स्ट्रेंथ शो कर रहा है कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो ए प्लस में आए या बी प्लस या सी प्लस 5, 10, 20, 30, 40 वैल्यूज अब ये सही रहेगा. तो चलें ये तो चीज़ें साथ साथ चेंज हो सकती हैं लेट्स रन इट अगेन और देखें दिस इज़ आवर बार 0, 50 ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शो कर रहा है दिस इज़ आवर टाइटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्राफ लेफ्ट साइड हमारे पास ग्रेड्स आ रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास वाइट लेबल्स आ रहे हैं. और एक और बात चूँकि यहाँ पर तो अभी सिर्फ हमने एक ग्राफ बनाया है तो वो तो ईजिली फिगर विंडो में आ गए जब हमने नेक्स्ट बनाना है तो फिर हमें उसके लिए नेक्स्ट फिगर विंडो क्रिएट करनी पड़ेगी. तो इट इज़ बेस्ट कि आप पहले पहले ग्राफ के लिए भी बना लें फिगर वन एंड नाउ फॉर फिगर टू फॉर पाई चार्ट. इस तरह क्या होगा कि हमारे पास थ्री सेपरेट फिगर विंडोज़ आ जाएंगी. अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो पहली फिगर विंडो जो भी थी जैसे जिस पर बार ग्राफ भी बना है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ उसी के ऊपर पाई चार्ट बन जाएगा उसी के ऊपर फिर आगे हिस्टोग्राम बन जाएगा और एट द एंड जो नेट रिजल्ट अभी आएगा वो सिर्फ हिस्टोग्राम नज़र आएगा पाई चार्ट और जो बार ग्राफ है बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे. इसलिए आपने जब भी जितने भी ग्राफ बनाने हों सेपरेट तो आपको फिर सेपरेट फिंगर विंडोज़ बनानी पड़ेंगी या फिर सब प्लॉटिंग की कमांड भी यूज़ की जा सकती है लेकिन चूंकि इन ग्राफ्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल है तो सब प्लॉटिंग से ग्राफ थोड़ा सा छोटा हो जाता है तो वो दिखने में थोड़ा सा फिर हमें या उसका एनालिसिस करने में वो फिर इतना इजी नहीं रहता. तो लेट्स गो फॉर पाई चार्ट. पाई चार्ट के लिए कमांड क्या है हमारे पास वी हैव पाई एंड सी और नेक्स्ट उसके ऊपर यही उसके अंदर तो हमारे पास एक्स लेबल वाई लेबल नहीं होंगे तो वी हैव ओनली टाइटल तो वी कैन राइट द टाइटल एंड अब पाई चार्ट में हमने ये भी शो करना है कि जो ईच परसेंटेज है या ईच कलर है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वी कैन यूज़ द लेजेंड्स. तो लेजेंड्स इज इक्वल टू लेजेंड्स हमने ये जो ऊपर जी लिखा हुआ इसी को यूज़ करेंगे तो जी और प्लस इनकी लोकेशन भी होती है. अब चूँकि पाई चार्ट के अगर ऊपर लेजेंड्स आ जाएंगे तो उसका हमें फ़ायदा नहीं है तो यू कैन यूज़ द कमांड्स लोकेशन. तो आप इजीली हेल्प में जाके फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे आप हेल्प सेक्शन में जाके लिखें ऐड लेजेंड टू पाई चार्ट या पाई
जैसे ही आप देखें यहाँ पर देखें फर्स्ट प्रेफरेंस पे जो आया इट इज़ अ ऐड लेजेंड टू पाई चार्ट, तो आप इसको क्लिक करें एंड यू विल सी दिस लेजेंड लेबल्स, यानी कि जो भी आपने लेबल्स लिखने हैं हमने लिखे हुए थे, लोकेशन साउथ आउटसाइड, यानी कि जो ये पाई चार्ट है इसे आउटसाइड पे वो उसको प्रिंट करेगा, और ओरिएंटेशन जो है देर आर टू टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। अगर आपने हॉरिजेंटल करना है तो आपको लिखना पड़ेगा, अगर वर्टिकल ही रहना है तो फिर वो बाय डिफॉल्ट होगा, आपको फिर ओरिएंटेशन लिखने की ज़रूरत नहीं। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे अब दिस वन लोकेशन, लेट्स से राइट साइड बनती है ईस्ट आउटसाइड, तो चलते हैं अब आगे इसको भी ड्रॉ करके देख लेते हैं बिफोर मूविंग ऑन टू हिस्टोग्राम। और यहाँ पर लेजेंड्स लिखती है, यहाँ पर लेजेंड कमांड होती है, लेजेंड्स नहीं होती। तो लेट्स रन, सो दिस इज़ इट, वी हैव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंड ईच ग्रेड एंड वी हैव अ परसेंटेज, और यहाँ पर राइट साइड पर हमें कलर बता रहा है कि कौन से ग्रेड ज़्यादा या कम आए। जैसे येलो कलर जो है वो एफ ग्रेड को रिप्रेजेंट कर, दैट मीन 31% ऑफ द क्लास जो है यानी कि 900 में से 31 स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्होंने एफ ग्रेड अटेंड किया, और इस तरह ए प्लस भी बहुत ज़्यादा लोगों ने अटेंड किया है, और बाकी जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन सेम ही है, ए भी कुछ 1% ज़्यादा है। और यहाँ पर मज़े की बात देखें, ये देखें पुराना हमारे पास जो ग्राफ है बार ग्राफ वो भी आ रहा है, तो अगर हम यहाँ पर फिगर विंडो ना लिखते तो फिर हमारे पास ये वाला ग्राफ कैंसिल हो जाना था और सिर्फ ये पाई चार्ट आना था। अब जल्दी से हम हिस्टोग्राम की तरफ मूव करते हैं, दैट विल बी फिगर 3। चलो मैं थोड़ी सी वैल्यूज ऊपर कर लेता हूँ। अब हिस्टोग्राम के लिए जो कमांड यूज़ होती है दैट इज़ हिस्टोग्राम, और जो पुराने वर्जन है उसके अंदर हिस्ट भी यूज़ होता है, लेकिन अब जो है इट इज़ अपडेटेड और यू कैन यूज़ द हिस्टोग्राम कमांड। अब इसका स्टाइल क्या है लिखने का, यू कैन अप्लाई द लेबल्स, तो जो आप बार ग्राफ और लेबल्स हैं बेशक वही एक्स लेबल वाई लेबल, ओप्स कॉपी हो जाओ भाई, एक्स लेबल वाई लेबल भी अप्लाई कर सकते हैं और टाइटल भी अप्लाई कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं। लेकिन हिस्टोग्राम को लिखना कैसे है, क्योंकि यूजली हिस्टोग्राम जो होता है वो एक हमारे पास बंच ऑफ वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई होता है, जैसे हमने 900 की इनपुट लिया इसी के ऊपर हम हिस्टोग्राम अप्लाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमें फ़िल्टर करके बता देगा कौन सी वैल्यूज़ कितनी दफ़ा रिपीट हुई। अब यहाँ पर हमारे पास जो बात है वो ये है कि हमारे पास तो काउंटिंग्स मौजूद हैं तो उसके अंदर लेबलिंग कैसे करनी है, तो इट्स वेरी सिंपल, आप जो है इधर हिस्टोग्राम को भी सर्च कर सकते हैं, हिस्टोग्राम एंड दिस वन, ये हमारे पास चार्ट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर जो है देखें क्योंकि हमें मल्टीपल चीज़ें चाहिए तो दिस इज़ कैटेगरीज, तो यहाँ पर हम कैटेगरीज वाले सेक्शन में जाएंगे जिसके अंदर बिन काउंट्स और काउंट्स आ रहे हैं, चूँकि ये देखें यहाँ पर काउंट्स लिखा हुआ है, तो इसके नीचे हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि हिस्टोग्राम कैटेगरीज, आपने कैटेगरीज वर्ड लिखना है और फिर जो जो कैटेगरीज हैं वो लिख दें, जैसे हमारा ए प्लस ए बी प्लस बी एंड सो ऑन, और उसके बाद ये काउंट शुरू हो जाएगा। अगर आप इधर कैटेगरीज पर क्लिक भी करेंगे तो यहाँ पर ये आपको बता देगा कि आपने लिखना किस तरह, कि एच हिस्टोग्राम कैटेगरीज, यहाँ पर उसने यस नो मे बी एक पोलिंग का वो शायद उसने प्रोग्राम बनाया हुआ, हमारे पास क्या है ए प्लस ए बी प्लस बी एंड सो ऑन एंड देन बिन काउंट्स और आगे ये वाली वैल्यूज। द बेस्ट वे इज कि आप इधर से इसको कॉपी करें शिफ्ट करके और अपने इधर कमांड में लगा लें, बहुत ज़्यादा कोई आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं थी। बाकी अगर आप उसे सर्च करते रहे हैं नेट के ऊपर भी तो उधर भी ऑलमोस्ट यही चीज़ें होती हैं, यहाँ पर हमें लगा देना है कैपिटल जी क्योंकि ये हमारे पास वो कैटेगरीज हैं, और यहाँ पर जो हमारे पास डाटा वैल्यूज भी मौजूद हैं काउंटिंग वाली, दैट इज सी एंड दैट्स इट। अब आप इसको ओपन प्ले कर लें तो ये आपको एक कम्प्लीट रिजल्ट दे देगा, तो दिस इज दिस ए प्लस ए बी प्लस बी एंड सो ऑन, सो दिस इज आवर हिस्टोग्राम, दिस इज आवर पाई चार्ट एंड दिस इज आवर बार ग्राफ, सो दिस इज इट। ये थी आपकी असाइनमेंट, और बाकी ये कि एक और तरीका भी है इस असाइनमेंट को करने का विच इज़ यूजिंग लॉजिकल ऑपरेशंस, जो कि पूरे के पूरे मैट्रिक्स के ऊपर यूज होते हैं, जो कि यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने पूरे मैट्रिक्स को एरे में चेंज किया और वन बाय वन हर वैल्यू को ग्रेडिंग क्राइटेरिया से कराया। एक सेकेंड स्टाइल ये है कि हमें पता है लॉजिकल जो ऑपरेशंस हैं वो तो पूरे के पूरे मैट्रिक्स के ऊपर पूरे के पूरे एरे के ऊपर भी इस्तेमाल हो जाते हैं, तो वी कैन यूज़ दैट। तो चलते हैं सेकेंड स्टाइल की तरफ।
इसके अंदर हमने पूरे पूरे मैट्रिक्स के ऊपर लॉजिकल ऑपरेशन लगाना है या कंडीशन लगा लेनी है, और फिर हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी अ लॉजिकल अरे और लॉजिकल मैट्रिक्स, और देन वी कैन इजिली काउंट दम बाई यूजिंग द सम कमांड। तो यहाँ पर जो है ये जो फॉर लूप है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और बाकी जो है उसको वैसे का वैसे रहना देते हैं। तो दिस इज इट। तो यहाँ पर इट इज़ बेस्ट कि आप मैट्रिक्स को रो में चेंज कर लें, क्योंकि अगेन जो हमारी सम वाली एक कमांड है कि जब हम मैट्रिक्स को सम करते हैं या लॉजिकल मैट्रिक्स को सम करेंगे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, वो हमें नंबर ऑफ हर रो के लिहाज से उसका सम दे देगा, और फिर हमें अगेन उस एक वेक्टर के ऊपर सम लगाना पड़ेगा टू गेट अ सिंगल नंबर। तो इसलिए मैंने इसको रो में कन्वर्ट कर लिया ताकि इसको कमांड लगाना ईजी हो जाए। नाउ वी कैन यूज़ द कमांड, जैसे सी वन है तो दैट विल बी सम, और कंडीशन लगा दें द रो इज वाई, वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 84.5। दिस इज इट। अब सिमिलरली सी टू इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू सम, वाई इज लेस दैन 84.5 एंड इट विल बी 79.5 ग्रेटर दैन। ओके वी कैन यूज़ द सप्रेसर, चूँकि हमें सी की वैल्यू ज़्यादा यूज़ करनी है, डिस्प्ले नहीं करनी। एंड सिमिलरली सी थ्री विल बी सम वाई इज लेस दैन 79.5 एंड वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 74.5। तो जो कमांड्स आपने नीचे लिखी हुई हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें डबल कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर हम इफ एल्स स्ट्रक्चर नहीं यूज़ कर रहे, तो इसलिए इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब हम इस ब्लॉक को कॉपी पेस्ट करते जाते हैं, और जो एफ ग्रेड है उसके अंदर फिर हमें सिर्फ एक ही कंडीशन लगानी पड़ेगी विच विल 49.5 से स्मॉलर कितने होते हैं। तो दिस इज़ इट। जस्ट ये कि हमने लूपिंग की बजाय डायरेक्ट जो कमांड्स हैं लॉजिकल अरेज बनाकर उसको यूटिलाइज किया है। अब इसको हम रन करके देखते हैं हमारा प्रोग्राम रन होता है कि क्या हमारे रिजल्ट्स आते हैं। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया है इन्होंने, लेकिन देखें रिजल्ट्स हैं हमारे। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप जो है लूप यूज़ कर लें। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम एक जो थ्योरेटिकल बात जो है प्रैक्टिकली कि लूप के अंदर देखें हमारे पास जो कमांड का चेक है वो सिर्फ एक एक वैल्यूज़ के ऊपर होता है। अब हमने जितनी ए प्लस की वैल्यू थी वो इफ इधर से कमांड चेक हो गया, ए वाली वैल्यू से वो इधर चेक हो गया, तो हमें सारी को जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको चेक नहीं करना पड़ा। ये कुछ अगर हमने एफ को चेक करना था तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ा, जो कि बहुत काम थी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें ए के लिए भी पूरे मैट्रिक्स के ऊपर कंडीशन लगानी पड़ी, तो उसने 1 by 1 900 वैल्यूज़ को पहले चेक किया क्या 84.5 से ग्रेटर है, फिर हमने 1 by 1 900 वैल्यूज़ को चेक किया कि क्या वो ए है यानी कि इस रेंज के अंदर आती है, अगेन 900 वैल्यूज़ को चेक किया क्या वो इस रेंज के अंदर आती है, एंड सो ऑन। जबकि यहाँ पर सिर्फ 900 वैल्यूज़ चेक हुई जो कि ज़्यादा शुरू या सेकेंड या थर्ड या फोर्थ में हो गए, लेकिन यहाँ पर तो हर दफ़ा टोटल का टोटल ही चेक होता है। तो इसलिए ये देखिए 900 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई बाय 9 दफ़ा हुआ है तो 8100 दफ़ा कंडीशन को चेक करना पड़ा, जबकि लूपिंग के अंदर हमेशा 8100 से बहुत कम बल्कि हाफ से भी कम इसके दफ़ा चेकिंग हुई होगी। तो इसलिए जब हमने इस वाले सेक्शन को रन किया तो थोड़ा सा टाइम हमें ज़्यादा लगा, तो बैक एंड पे इसकी प्रोग्रामिंग प्रोसेसिंग जो है वो ज़्यादा हुई है, इस वजह से हमारा काम लेट हुआ है। तो इसलिए हमेशा जो है अगर आपने बहुत ज़्यादा डाटा को कभी चेक करना हो तो आप उसके लिए फॉर लूप लगाएं इंस्टेड कि आप जो है ये लॉजिकल वेक्टर्स या अरेज या मैट्रिसेस को यूज़ करें। हाँ अगर आपका वेक्टर जो है बिल्कुल स्मॉल वैल्यूज हैं 10 और 15 तो फिर आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बड़ी वैल्यूज़ के लिए इट इज़ नॉट रिकमेंडेबल। सो दिस इज़ इट। ये आपकी एक असाइनमेंट थी, आई डोंट नो कि इसमें आपको मसला कहाँ पर आया था, और कुछ बच्चों ने तो बिल्कुल इतनी ज़्यादा गलतियाँ की हैं बेसिक्स ही कि उन्हें डाटा को कॉपी नहीं करना है, और अगर डाटा को कॉपी कर लिया उन्होंने स्टिल जो है आगे उसको यूटिलाइज नहीं किया, उन्होंने फॉर लुकिंग नहीं लगाई, वो उन्होंने अपनी जो है उसको क्या कह सकते हैं कि इनपुट लेना शुरू कर दिया। और जो मेन गलती ज़्यादातर ने की है वो ये है कि जब आपके पास काउंटर वैल्यूज़ आ गई, व्हेन यू हैव सी वैल्यूज़
तो फिर आपने इधर जो है जब हमने बार ग्राफ को देना है तो उसके लिए अलग से वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। 193, 253 मैटलैब के अंदर आपने वेरिएबल के अंदर सेव किया हुआ है, तो जस्ट क्रिएट अ वेक्टर, या अगर आपने पहले ही वेक्टर लिया हुआ है तो उसी को यूज़ कर लें। तो मैटलैब में कभी भी, हमेशा याद रखें, प्रोग्रामिंग में कभी भी कोई चीज़ मैनुअली नहीं लिखते। सेकेंड बात कि अगर आप नई जगह लिख लिया तो आप फिर दूसरे ग्राफ में तो दोबारा रिपीट ना करें, जस्ट यूज़ दैट वेरिएबल। जैसे हमने यहाँ पर कैटेगरीज डिफाइन की तो मैंने यहाँ पर उसे जी में लिख दिया, और उसी जी को मैंने आगे पाई चार्ट में भी यूज़ किया, मैंने उसे आगे हिस्टोग्राम में भी यूज़ किया, इंस्टेड के हम उसे तीनों दफ़ा अलग लिखते। तो इसी वजह से कुछ स्टूडेंट्स की गलतियाँ भी हुई हैं कि जब उनने पहले ग्राफ में वैल्यूज़ लिखी हैं दूसरे ग्राफ में कुछ और वैल्यूज़ लिखते गए। ऊपर फॉर एग्जाम्पल 193 था, नीचे जाके 192 और 36 और 84, इस तरह सो ऑन, वो हर जगह बंच ऑफ वैल्यूज़ लिखते हैं। तो ये काम गलत है, इस चीज़ को अवॉइड किया करें, और ये प्रोग्रामिंग में हमारे लिए बहुत ख़तरनाक साबित होती है क्योंकि इससे गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके जी, अब हम आपके टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं आपकी असाइनमेंट्स की तरफ कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो पहले मैं जैसे थोड़ा सा डाटा साफ कर लूँ। चल सबसे पहले चलते हैं सेक्शन बी की असाइनमेंट्स की तरफ। तो दिस इज इट। ओके जी, एक ने असाइनमेंट ही सबमिट नहीं कराई, माशाल्लाह। तो दिस इज़ नॉट आवर मिस्टेक, तो जो असाइनमेंट नहीं सबमिट करवाएगा इट विल बी ज़ीरो। अब हम चलते हैं जैसे ग्रुप टू है, उसके 0 मार्क्स लगे हैं, ज़्यादातर 0 मार्क्स उनके लगे हैं जिन्होंने चीटिंग की हुई थी। तब तो हम देखते हैं उन्होंने चीटिंग क्या की है। तो लेट्स सी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपका लिखा हुआ है डाटा वगैरह, एंड ग्रुप वन कॉपीड। तो चलें जी, इनकी अब असाइनमेंट निकालते हैं ग्रुप टू और ग्रुप वन की। तो यहाँ पर मैंने इनकी असाइनमेंट्स को डाउनलोड किया हुआ है, विच इज़ सेक्शन बी एंड ग्रुप वन एंड ग्रुप टू। कुछ बच्चों की प्रोग्राम फाइल्स के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, जैसे उन्होंने हैश टैग वगैरह और जो दूसरे सिंबल्स हैं उनको यूज़ किया है, हालांकि मैटलैब के अंदर सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ होता है और उसके अलावा कोई आप सिंबल वगैरह नहीं यूज़ कर सकते, कॉमास वगैरह एंड एट्सेट्रा। तो बहरहाल मैंने उनकी थोड़ी बहुत जिन्होंने गलत लिखा हुआ था करेक्शन करके मैटलैब फाइल से ला ली हैं। तो दिस इज़ ग्रुप वन एंड ग्रुप टू। मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेता हूँ ताकि हम ज़रा क्लियरली इनका एनालिसिस कर सकें, और अगर चलें इस तरह कर लेते हैं। सो दिस इज अबव इज अ ग्रुप वन एंड सेकेंड इज अ ग्रुप टू। अब जी क्लियर आल सी एल सी। ग्रुप वन में उन्होंने कमेंट्स नहीं लिखे हुए, डाटा जो है उन्होंने एक्सेल फाइल से कॉपी किया, चूँकि वो तो दोनों का डिफरेंट ही होना था। हम अगली स्ट्रेटजी देखते हैं। तो आफ्टर यूजिंग द डेटा एंड दिस इज इट, यहाँ पर उन्हें साइज की कमांड लिखी है, ऑब्वियसली पता चल रहा है ग्रुप वन वालों ने ग्रुप टू से कॉपी किया है। अब दिस इज़ अ स्टार, एफ प्रिंट एफ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई हमें तो ज़रूरत है, एंड दे यूज लाइक दिस। देखें इसके अंदर हमने स्पेस दे दिया है, द सेम कमांड्स सप्रेसर हटा दिया, चलें जी बड़ा बहुत अच्छा काम किया, एक्स ए पी पी सम फिर ए प्लस सेम वेरिएबल्स एफ प्रिंट एफ। तो ये देखते सार ही पता चल रहा है कि आपने कॉपी किया है, और स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमने तो बड़ी मेहनत से बनाया और दिस एंड दैट, ये आपको सामने मैं दिखा रहा हूँ, एंड सेम स्ट्रक्चर फॉर अदर्स। इसको आप ब्राउज करते जाना लाइन बाय लाइन ईच एंड एवरीथिंग। जस्ट क्या ग्रुप टू ने चूंकि अच्छी बनाई है, उन्होंने कमांड्स लिखी हैं, ग्रुप वन ने कॉपी किया, तो वाई आर यू गिविंग योर असाइनमेंट टू अदर स्टूडेंट्स? अब तो आपके ग्रुप्स अपनी मर्जी के थे, आपके सारे अपने दोस्त थे। सो दिस इज़ द रीज़न दे गॉट ज़ीरो, क्योंकि अगर आप कॉपी करेंगे तो फिर आपको ज़ीरो ही मिलेगा। चलते हैं जी आगे, ग्रुप कौन सा आ रहा है, फोर की तरफ। इनका ज़ीरो क्यों लगा है? सो दिस इज शायद जमील, वेरी बैड चीटिंग ग्रुप फाइव ए। ओके जी, फाइव ए वालों के साथ उन्होंने चीटिंग की हुई है। लेट्स फाइंड आउट कि भाई कितनी को चीटिंग की है एंड वाई दे आर गिवन द कमेंट वेरी बैड चीटिंग। तो चलते हैं ग्रुप, दिस इज ग्रुप फोर। ओके जी, करंट फोल्डर क्यों नहीं ओपन हो रहा? सो ग्रुप फोर एंड वी हैव टू
गो बैक और सेक्शन ए के अंदर हम जाते हैं और उन्होंने उसके ग्रुप फाइव से चीटिंग की। नाउ लेट्स सी, इसके अंदर रोल नंबर्स लिखे हैं और रंग भी वैसा ही है। चलें जी मज़ीद हम इसको आपको वन बाय वन दिखाते हैं। ग्रुप फाइव आप वैल्यूज को डाउन करें, दिस एंड दैट, तो वी हैव एल ए, ओके वी हैव एल ए, नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस, नथिंग, सारा कुछ सेम का सेम। तो भाई चेक किसने करनी है, हम तो बस कॉपी कर लेते हैं, किसी को क्या पता, हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर जब बताएं कि इनको ज़ीरो, तो फिर हम क्या दें, क्या क्रिएट दें, ओके मतलब आप लोगों ने मजाक ही समझा हुआ। सो दैट्स व्हाई दे गॉट ज़ीरो। तो ये साथ साथ बाकी होंगे ग्रुप्स का भी पता चल रहा है कि क्यों जो बाकी सेक्शंस के अंदर है उनके भी ज़ीरो क्यों आए। तो चलें जी, दिस इज इट, अब आगे चलते हैं। दिस वॉज ग्रुप फोर, वट अबाउट ग्रुप फाइव? ग्रुप फाइव ठीक है, उसकी कुछ गलतियाँ, उन्होंने नंबर लगे हैं, ग्रुप फाइव सिक्स के भी नंबर्स लगे हुए हैं। वट अबाउट सेवन के टू क्यों लगे? ये भी बात देखने वाली, इनकी चीटिंग तो की नहीं है, दो नंबर क्यों लगे हैं? ओके जी, ग्रुप सेवन सी से भी इनकी की कॉपी है, लेकिन चलें थोड़ा बहुत कॉपी था तो दो नंबर उसके मतलब, लेकिन ज़्यादातर ग्रुप सेवन सी से इनका कॉपीड है। अब वो कैसे है ये भी दिखाना ज़रूरी है। तो चलते हैं ग्रुप सेवन सी की तरफ, और इनका अपना ग्रुप जो था वो कौन सा जी? ग्रुप सेवन। और मज़े की बात है जो सेक्शन सी है उसका भी ग्रुप सेवन है, तो ये तो फिर हमारा सीन बनता है। वेयर इज़ ग्रुप सेवन? ग्रुप सेवन की फाइल कहाँ चली? वेट अ सेकेंड, अच्छा ये सेक्शन ए के अंदर, सेक्शन बी के अंदर जाना था। सो दिस इज आवर ग्रुप सेवन एंड नाउ वी हैव टू गो द सेक्शन सी एंड सी द ग्रुप सेवन। अच्छा जी, इन्होंने जो है वर्ड की फाइल में दिया हुआ डाटा, अब हम दोनों को वन बाय वन कंसिडर करते हैं। सो एक्स इज इक्वल टू दिस वन। तो चलें जी, सबसे पहले सी एल सी और ये सारा डाटा। नाउ वी हैव दिस सेक्शन, किन्होंने ब्रैकेट्स नहीं लगाए, ये साथ कमांड्स लिखे हुए हैं, प्लस जो है उन्होंने ये सम सम की कमांड यूज़ की हुई है। अगर हम इधर देखते हैं इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने माशाल्लाह भी वही चीज़ की है, बल्कि इवन उनके जो कमेंट्स हैं उसको भी कॉपी किया हुआ। तो सबसे पहले ये बात है कि इसको तो आपने वर्ड फाइल में नहीं जमा कराना था, इट वॉज सपोज टू बी गिवन इन मैटलैब स्क्रिप्ट फाइल विच इज़ डॉट एम फाइल, लेकिन स्टिल आप लोग समझते हैं कि वर्ड फाइल में लिखेंगे तो भाई गलती नहीं होगी। तो ये सारा स्ट्रक्चर यहाँ तक कॉपी है, और ये जो अगला इस अल्लाह के बंदे नहीं देखें, दीज आर द कमांड्स, ये आप टोटल कर सकते हैं इस तरह, कोई करेक्टर्स को आप आपस में टोटल कर रहे हैं, और वेरिएबल को आप ए प्लस तो इस तरह नहीं लिख सकते वेरिएबल्स को। तो ये कॉपी करने वाले का भी माशाल्लाह था, और ये दूसरा डाटा इसने जनाब ये अपने दूसरे वर्ड फाइल से कॉपी की अपने फ्रेंड से। तो चूंकि इन्होंने कुछ सेक्शन को टोटली कॉपी किया हुआ, तो इसलिए मैंने उसके मार्क्स काट लिए। और नेक्स्ट जो इनके नीचे ग्राफ से, उसमें कुछ गलतियाँ थी और कुछ एक दो ग्राफ ठीक थे, तो उसको उनके लिहाज से नंबर मिला। अव्वल तो इन्हें भी नहीं मिलने चाहिए थे, लेकिन जितना पार्ट है कॉपी उस लिहाज से इन्हें नंबर दे सकते हैं। ओके जी, व्हाट अबाउट चैलेंज? ग्रुप सेवन भी हो गया, अब रह गया ग्रुप एट। ग्रुप एट ने फाइल ही नहीं जमा कराई, तो फिर हम क्या करें? चलिए अब चलते हैं सेक्शन ए की तरफ। सो दीज आर द असाइनमेंट्स टू व्यू ऑल सबमिशंस। तो जो जिसकी ग्रुप बी के साथ कॉपी होगी वो नहीं मैं दिखाऊंगा, चूंकि वो हमने पहले दिखा दिया हुआ। और अब चलते हैं इसकी तरफ कि ये इनके मार्क्स में काम आए। तो लाइन बाय लाइन चलते हैं। ग्रुप वन, ओके आठ नंबर लगे माशाल्लाह ठीक है। ग्रुप टू की तरह जी, ग्रुप टू के थ्री नंबर्स लगे हैं। तो ग्रुप टू के मार्क्स जो हैं वो यहाँ पर कमेंट्स लिखे हुए हैं, देख लेते हैं इन्होंने चीटिंग की है कि नहीं।
उस लिहाज से भी करते हैं, साथ ही ग्रुप थ्री को भी देख लेते हैं। ग्रुप थ्री के 5 नंबर्स लगे हैं, दैट मीन इन्हें चीटिंग नहीं की लेकिन कुछ चीज़ें इनकी गलतियाँ हुई हैं बहुत ज़्यादा सिवियर किस्म की, तो उनके उस हिसाब से माफ़ करते हैं। और कुछ दिस वॉज ऑल, इनकी गलतियाँ ही बहुत ज़्यादा हैं कि इन्हें 2 नंबर देने पड़े हैं चीटिंग केस पे भी। ओके जी फाइन, आगे चलते हैं। व्हाट इज़ ग्रुप थ्री एंड ग्रुप फोर? ठीक है, फाइव के मार्क्स रियल लगे, इसे हम देख लेते हैं किसके साथ चीटिंग की है इन्होंने, क्योंकि बच्चों का मसला आ रहा था कि जी चीटिंग की है, तो हमें ये ग्रुप फोर बी वाली जो कि पहले डिस्कस हो चुकी है, आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा। फाइव के बाद चलते हैं जी ग्रुप सिक्स की तरफ, और उसके भी 2 नंबर लगे हैं, देख लेते हैं इन्होंने चीटिंग तो नहीं की क्या साहब, अब नंबर कितने काम आए इन चारों के। ग्रुप सेवन, फाइल ही कोई जमा नहीं करवाई तो भाई नंबर किस चीज़ के दें, 0। एंड ग्रुप एट, इसको भी देख लेते हैं, सेक्शन ए में बहुत सारे कम लोगों ने चीटिंग की है, लेकिन जिन बेचारों ने कोशिश की है उनकी थोड़ी बहुत गलतियां हो गई हैं, तो वो अपने कमेंट्स को काइंडली देख लें। ओके जी, इन्होंने अपना प्रोग्राम नहीं सही लिखा हुआ तो ये कमेंट्स इधर से देख लें, प्रोग्राम ही गलत लिखा हुआ है, इन्होंने भी यहाँ पर चीज़ें गलत लिखी हैं, तो ये इन कमेंट्स को पढ़ लें, और अगर ना समझ आए तो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो आई थिंक तमाम ग्रुप्स हो गए हैं, 8 तक ही ग्रुप थे। अब चलते हैं सेक्शन सी की तरफ जिनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हैं। तो सेक्शन बी और सी, इसमें थोड़ा सा काम ज़्यादा ख़राब रहा है, लेकिन मैं हर एक को उसका एटलीस्ट सबूत दिखा रहा हूँ कि कोई हमें शौक़ नहीं होता आपके नंबर काटने का, लेकिन जब आप फुल कॉपी करेंगे तो फिर हमारा भी हक़ बनता है कि आपको थोड़ा सा सजा दें, ताकि जिन लोगों ने अपनी मेहनत की हुई है इतनी ज़्यादा उनको उनकी जस्टिफिकेशन मिले, चाहे वो 6 या 7 नंबर ही मिल रहे हैं। तो वन बाई वन सबसे पहले देखने ग्रुप सी है, बिल्कुल चलते हैं ग्रुप वन की तरफ। वेयर इज़ ग्रुप वन? दिस इज इट। ओके जी, इसके 2 नंबर लिखे हैं, देख लेते हैं देखिए हूँ 2 नंबर हैं। उसके बाद चलते हैं ग्रुप टू की तरफ जिनका 0 लगा हुआ है, क्योंकि 0 वाले ज़्यादातर चीटिंग केस हैं, बाकी ग्रुप वन जो है इनकम्प्लीट है, आपकी फाइल ही कम्प्लीट नहीं थी, प्रोग्राम ही कम्प्लीट नहीं था, लेकिन स्टिल यू गॉट द टू। लेट सबमिशन, फाइल कंटेंस नो कोड, तो भाई हम किस चीज़ के नंबर दें? इस फाइल को भी मैंने सही करके भी रन किया था, जैसे इधर मैं अगर आपको दिखाऊं, लेकिन स्टिल इसमें कुछ नहीं आता। दिस वन, सो दिस वाज द फाइल, इन्होंने यहाँ पर हैश लगाए हुए थे, मैंने वो सारे हैश ख़त्म किए, डॉट मैट से डॉट एम किया, बट आई वन प्रेस दिस, ये आ गया। तो अब इसके अंदर फिर हम क्या चेक करें, तो काइंडली फाइल को भेजने से पहले इसको चेक कर लिया करें, एंड यू हैव टाइम, यू नो कि आपने फाइल गलत भेजी है, बंदा कुछ ना कुछ अपना देख लेता। बहरहाल टाइम इज़ ओवर। ग्रुप टू, ग्रुप थ्री एंड व्हाट अबाउट ग्रुप फोर? हाँ, ग्रुप फोर 0 लगा हुआ है बेचारा, उसको देख लेते हैं। ग्रुप फोर, इनमें कहाँ पर गलती है? ओके जी, होल कॉपीड ग्रुप फाइव है, तो चलें जी ग्रुप फाइव ए को, इधर से पहले ग्रुप फोर को ओपन करते हैं और फिर ग्रुप फाइव ए को ओपन करते हैं। चलें जी फाइव ए, वेयर इज फाइव ए? दिस वन, आई थिंक राइट लेफ्ट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। सो दिस इज़ अ स्टाइल, ये जो इवनिंग वाले हैं इन्होंने अपना रोल नंबर वगैरह लिखे हुए हैं, कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं, बट आगे चलते हैं। ये 2-3 बच्चों ने आपस में कॉपी किया, अब इधर देखें जस्ट क्या है, इधर थोड़ा सा उन्होंने पीछे कलर रखा हुआ है, चूँकि उन्होंने वो कमेंट्स लगाए थे तो उस वजह से पूरा स्पैन आ गया, यहाँ पर ये वाइट में, लेकिन दोनों में लाइन बाय लाइन अगर आप देखें तो कोई फ़र्क नहीं है, सारा कुछ सेम। अच्छा जी आगे चलते हैं, दिस इज इट, वो टोटल भी लिखा हुआ तो वैसे लिखा माशाल्लाह, तो दिस इज़ इट। अब बताएं इसके अंदर अब फाइल सेम नहीं है तो फिर हम क्या करें,
जस्ट वैल्यू चेंज कर देना, इट नॉट के जी सर हमने कोड चेंज कर लिए, बाकी चीज़ें आप देख लें। हाँ बस ये है कि पाई, चलो उसने ये किया, पाई को ऊपर नीचे कर दिया। देखें यहाँ पर इसने डी डी लिखा हुआ है, उसने कहा जी मैंने भी डी डी लिखना है, कोई और वेरिएबल तो दुनिया में है ही नहीं जो हम असाइन कर सकते हैं हिस्टोग्राम को। तो हिस्टोग्राम को ऊपर नीचे करने से कुछ नहीं होता, बल्कि यहाँ पर देखें दोनों का कलर जो है वो भी ओके। तो दिस इज़ अ बार ग्राफ एंड दिस इज़ अ बार ग्राफ, ए प्लस है, तो चलो उन्होंने ए प्लस लिख दिया है भाई, बहुत शुक्रिया भाई। लेकिन ग्रेड और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बार ग्राफ, टाइटल वगैरह ये चेंज करना भूल गए। अगर एक ने गलती की है कि फिगर के बाद ये लगाया है, इन्हें भी याद है कि फिगर ऐसे ही लिखना है, फिगर 1 2 3 तो होता ही नहीं है इधर। दीज आर द थिंग्स के जहाँ पर इतना सारा सारा कुछ ही आपने कॉपी किया, तो वो बाकी चीज़ें भी कॉपीड ही होंगी। जैसे ये पाई ग्राफ है तो पाई, लेजेंड है तो लेजेंड, और लेबल लिखा है तो लेबल ही लिखना है। लेबल्स जस्ट क्या, ए प्लस को ए अंडर स्कोर प्लस लिख देंगे तो काम हमारा हो जाएगा। तो इस वजह से ग्रुप फोर जो है उनके ज़ीरो लगे हैं, और ग्रुप फाइव के भी, सेक्शन ए और सेक्शन सी के। तो आगे चलते हैं जी, ग्रुप फोर के बाद व्हाट अबाउट ग्रुप फाइव, फाइव के भी मार्क्स लगे हैं, सिक्स के 1 मार्क्स लगे हैं, एंड वाई इज दिस के 1 मार्क में लगा हुआ, या तो चीटिंग है या फिर चीटिंग नहीं है। ओके जी, इनकी फाइल ही ख़राब थी, सारी कोडिंग ही गलत लिखी थी, इस वजह से इनके मार्क्स चले। स्टिल 1 मार्क मिले और प्लस इन्होंने चीटिंग नहीं की, ये ज़्यादा बेस्ट चीज़ है। ओके ग्रुप सेवन, लेट सबमिशन, ज़ीरो है तो उसका मतलब है कि चीटिंग ही की होगी। एंड ग्रुप एट में ऐसे बल्कि 3 है, ग्रुप 8 और 9। चलें जी 7 पे चलते हैं, ग्रुप 7 कौन सा भाई। ओके जी, चीटिंग केस ग्रुप 7 बी एंड ग्रुप 8 सी। माशाल्लाह ने दो की वैरायटी को चेक किया हुआ, तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने ही ग्रुप 8 सी से चीटिंग की हुई है। तो हम देखते हैं इनकी फाइल, विच इज़ ग्रुप कौन सा जी, ग्रुप 7। चलें जी ग्रुप 7 हम निकालते हैं। ओके अगेन ग्रुप 7 है माशाल्लाह जो है वो, अच्छा ये वही वाले हैं जो बी सेक्शन वाले हैं, इनके अपनी चलो बी वालों से की हुई है चीटिंग। हाँ इस दफ़ा आप दिखाते हैं आपको कि अपने कौन से ग्रुप से की है, ग्रुप 8 से की हुई है जो कि सेकेंड। तो दीज आर द थिंग्स, ये देखें बार बी 0.5 और बी, ये सारा चलो उसने बड़ा हाईलाइटेड करके लिखा हुआ है, और इन्होंने जो है थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइड अपना लिखा हुआ, और ये बार और ये सारी चीज़ें ग्राफ्स वगैरह ये सारी चीज़ें इधर से कॉपी आई हैं। और बार ग्राफ हमें चाहिए भाई बार एच, तो उन्होंने कहा नहीं भाई अगले ने चूँकि बार एच नहीं लिखा हुआ, अगले ने चूँकि बल्कि इसको मैं थोड़ा सा आउट ऑफ जूम करता हूँ ताकि सही नज़र तो आए, अगले ने चूँकि बार लिखा हुआ है इसलिए मैंने भी बार ही लिखा है। तो ये कॉपी करने की हद होती है कि हमें बार एच ग्राफ चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा नहीं मिनिमम जो लिखा हुआ उसको कॉपी मारना है। तो ये सबसे बड़े थोड़ी सी चलाकी की है, लेकिन वो चलाकी काम नहीं आई। चलें जी अब चलते हैं ग्रुप 8 का, तो वो हमारा हो गया है। लास्ट वन ग्रुप 9, उसको भी देख लेते हैं, चलें आप सबकी तसल्ली हो जाए एक दफ़ा। दिस इज ग्रुप 9। ओके जी चलते हैं चेक करते हैं, जैसे ग्रुप 3A, 3A के इन्होंने फुल कॉपी की हुई है, लेट्स फाइंड आउट। तो दिस इज आई थिंक यही है ग्रुप 3 है, लेकिन फिर भी चलो चेक कर लेते हैं। हाँ दिस इज सेक्शन ए एंड ग्रुप 3, ठीक है। अब हम चलते हैं इन दोनों असाइनमेंट्स को राइट एंड लेफ्ट थोड़ा सा करके देख लेते हैं, अगर ये हो जाए तो। हाँ दिस इज ग्रुप 9 एंड दिस इज ग्रुप 3। तो आप यहाँ पर देखें जस्ट क्या है कि यहाँ पर इन्होंने वो टेबल रीड कर दिया, और यहाँ पर इन्होंने सैनफ यह किया कि रीड तो टेबल कमांड लगाई है लेकिन आगे से कॉपी पेस्ट कर दी। हालांकि आप जो है इसको कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हैं, आप डायरेक्ट असाइन कर लें। तो ये थोड़ा सा इन्होंने चलाकी करने की कोशिश की है, चलो अपने से चेंजेस करने की कोशिश की है, बाकी सारा स्ट्रक्चर वही है। अगर आप यहाँ पर देखें मार्क 1 1 2 अननेसेसरी लिखा हुआ है, लेकिन एक ने अगर गलती की है तो दूसरे ने भी ज़रूर करनी है, चूँकि छापा जो मारना है। और आगे ये देख लें लेफ्ट एंड राइट बोथ कमांड्स आर द सेम एंड
नेक्स्ट आर द क्रॉस, तो डिटो कॉपी फुल मारी हुई है, इस वजह से इनके ज़ीरो लगे हुए हैं। और दिस इज़ इट, सो थैंक यू वेरी मच। ग्रुप थ्री ए वाले, उनका भी ज़ीरो लगेगा इसी वजह से। तो होप सो इससे आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कोई टीचर को शौक नहीं आया होता आपके कोई ज़ीरो मार्क्स लगाने के, लेकिन जब इस तरह की असाइनमेंट्स दी जाती हैं जिसमें टोटली कॉपीड और कोई भी चेंज ना हो, तो फिर ये आप लोगों का कसूर है कि आपके ग्रुप में या आप लोग में से कौन शेयर करता है और अगलों में इतना दिमाग है कि वो असाइनमेंट को उधर से सीख के या समझ के फिर उसको अपने मुताबिक लिख लें। तो दीज आर द थिंग्स के अगर आपको पता है कि आपके क्लास वालों इतने जोगे नहीं हैं, तो आप उनके साथ ना शेयर करें अपना कीमती डाटा, और यहाँ से आप लर्निंग हासिल करें कि आप कितनी मेहनत करते हैं। और मुझे यकीन है कि आप लोगों ने इस असाइनमेंट पर बहुत ज़्यादा मेहनत भी की होगी, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगाया होगा, लेकिन दिस इज़ अ रियलिटी, दिस इज़ अ हार्ड रियलिटी कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं लेकिन स्टिल लोग आपका काम चोरी कर लेते। तो आपने अपने आप को इतना चालाक बनाना है कोई आपका काम चोरी करके आगे इस्तेमाल ना कर सके, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ असाइनमेंट की बात है। आगे जब आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स करने हैं या कोई आपने रिसर्च पेपर वगैरह शाया करना है या उसका काम कर रहे होते हैं, तो लोग इस तरह आपका मटेरियल, जिन लोगों पे आप इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं, वो आपका मटेरियल देख के जल्दी से वो सारा मवाद लेकर, उन्हें उसकी एक्सपर्टीज़ होती है कि पेपर लिखना कैसे, वो आगे रिसर्च पेपर अपने शाया कर लेते हैं, अपने पब्लिश कर लेते हैं, और आप देखते रह जाते हैं और फिर क्लेम और इन चीज़ों के पीछे लगे रहते हैं। तो ये चीज़ें भी हमने इधर यूनिवर्सिटी में ही सीखने हैं, और इंशाल्लाह ये आप चीज़ें सीखेंगे भी, और जो जितना जल्दी सीख जाएगा मेरे यहाँ से वो उतना ज़्यादा जल्दी कामयाब हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।